भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के पास उनके रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है। सीपी का नाम लिया था, उनके दल के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप तक लगाया था, और जैसे ही मौका मिला तो उन सभी का समावेश अपनी सरकार में कर लिया, मंत्री बना दिया। मतलब आपकी नजर में जो भ्रष्टाचारी है आप उसको मंत्री पद से नवाजेंगे। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित हो, और किसी की प्राथमिकता है? बिहार में बखूबी समन्वय है, जहां कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है उसको दूर कर लिया जाता है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में घमासान लगातार मचा हुआ है, एक तरफ शिक्षा मंत्री बार बार शिक्षक नियमावली को लेकर बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप के पाठक जो है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के साथ जो है लगातार जो है घमासान, एक तरफ से यूं कहें कि अब पार्टी के अंदर ही जो मचा हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार में है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ शिक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, के पाठक पितृपत्र भेजा जाता है, क्या सब कुछ महागठबंधन में ठीक है अभिषेक जी? दो पहलू में इसके, किसी भी विभाग के विभागीय मंत्री और सचिव के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद होना अस्वाभाविक बात नहीं, असामान्य बात भी नहीं है। पहले भी इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। शिक्षा विभाग में जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें तो अच्छी नहीं है। शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है, सरकार का एक बड़ा बजट का व्यय उस पर होता है, और किसी की प्राथमिकता में है कि कैसे बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री जी सक्षम है सभी पहलुओं को देख करके सही निर्णय लेने के लिए और मामले का निष्पादन करने के लिए, अन्यथा तूल देने की उसको आवश्यकता जरा भी नहीं है। आने वाले समय में स्थितियां एकदम सामान्य होंगी। अब आप लोग सवाल पूछ रहे हैं गठबंधन के मद्देनजर, गठबंधन का किसी डिपार्टमेंट के क्रियाकलापों से कोई प्रभाव गठबंधन पर नहीं पड़ता है। गठबंधन मजबूत है, और किसी भी पार्टी का जब गठबंधन होता है तो उस पर शीर्ष नेतृत्व अपनी राय रखते हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से अफसरशाही हावी हो गया है, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है ना कि जो अफसर हैं वो सरकार को चला रहे हैं? नहीं नहीं, अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित हो, और किसी की प्राथमिकता है? बिहार में बखूबी समन्वय है, जहां कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है उसको दूर कर लिया जाता है। और पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने, उधर से लालू प्रसाद यादव जी या राबड़ी देवी जी ने, और इधर से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन जी ने इस पर मंतव्य दे दिया है, तो उसको अन्यथा तुल देने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा मंत्री और एक तरफ के पाठक, तो बिहार में अब आपस में शिक्षा मंत्री और के पाठक का लड़ाई चल रहा है, और बिहार के बच्चे का भविष्य गया बाहर में, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। सुशील कुमार मोदी जी अच्छा तो नहीं बोलेंगे? सुशील कुमार मोदी जी सभी सच्चाइयों को जानते हैं। वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, या उनकी पार्टी से आने वाले तारकिशोर प्रसाद जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो किस तरह से शिक्षा विभाग का एक बड़ा बजट जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आना था, शिक्षकों के वेतन को लेकर के आना था, 3-3 वर्षों तक नहीं देते थे। तो ये तो सच्चाई जानते हैं कि केंद्र की सरकार कितना उन्मुख रवैया रखती है बिहार के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए। तो सुशील कुमार मोदी जी सिर्फ ओछी राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी जो है आने वाले 13 जुलाई को मार्च करेगी विधानसभा से, और उनकी आवाज उठाएंगे बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के पास उनके रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, और हर किसी को इस बात को समझना चाहिए कि सदन जनता के पैसे से चलता है, जनता के लिए चलता है। सदन में ये सकारात्मक मुद्दे उठाए तो एक बात हो, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, इनकी बातों में दम नहीं होता है, इसलिए इस तरह की पॉलिटिकल नौटंकी करते हैं। एक सवाल बस आखिरी लेंगे अभिषेक जी, जो बैठक हुआ था विपक्षी दल का, फिर से एक दूसरा जो है फेस बैठक होने वाला है बेंगलुरु में, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी बैठक में जो लोग बैठे थे वो भ्रष्टाचारी थे, और गारंटी दे रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। यानी प्रधानमंत्री जी किस मुंह से बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले खास पार्टी एनसीपी का नाम लिया था, उनके दल के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप तक लगाया था, और जैसे ही मौका मिला तो उन सभी का समावेश अपनी सरकार में कर लिया, मंत्री बना दिया। मतलब आपकी नजर में जो भ्रष्टाचारी है आप उसको मंत्री पद से नवाजेंगे? आपके साथ है तो सदाचारी है, और बाहर है तो भ्रष्टाचारी है। ये दोहरे नीति नहीं चलेगी, इस बात की गारंटी तो दिख ही रही है कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको अपने दल में लाकर पवित्रता का सर्टिफिकेट देंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और के पाठक में जो भी कुछ जो है पीछे बीते दिनों से जो भी चल रहा है, लगातार पितृपत्र भी भेजा गया था पीएस अधिकारी के द्वारा, शिक्षा मंत्री फिर लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है,
जो भी बड़े नेता हैं पार्टी में महागठबंधन वो इस चीज को लेकर देख रहे, वहीं प्रधानमंत्री और सुशील मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा के साथ चले जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।